बॉलीवुड स्टार रेखा से लेकर राखी सावंत तक इंडस्ट्री की कई ऐसी एक्ट्रेसेस रही जिनके साथ जबरदस्ती पब्लिकली किस हुआ। इन एक्ट्रेसेस ने बाद में अपना दर्द मीडिया इंटरव्यूज में बयां किया था, जबकि कुछ एक्ट्रेसेस की जबरदस्ती किसिंग की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। आज तक की एक्ट्रेसेस अपने साथ पब्लिकली हुई इस घटना को भूल नहीं पाई हैं। इस खास रिपोर्ट में हम इंडस्ट्री की उन 9 एक्ट्रेसेस की बात कर रहे हैं जो बुरे दौर से गुजरी हैं। शुरू करते हैं एवरग्रीन एक्ट्रेस रेखा से, जिन्होंने अपनी डेब्यू मूवी अनजाना सफर में ही जबरन किस झेला था। एक्ट्रेस उस वक्त सिर्फ 15 साल की थी। इस मूवी में उनके ऑपोजिट लीड स्टार विश्वजीत चैटर्जी थे। शूटिंग के दौरान एक सीन में विश्वजीत चैटर्जी ने एक्ट्रेस रेखा को जबरदस्ती 5 मिनट तक किस किया था। एक्ट्रेस रेखा इस इंसिडेंट को आज भी याद कर सहम जाती हैं। उस वक्त एक्ट्रेस इतनी बेबस हो गई थी कि उनकी आंखों से आंसू तक निकल गए थे। तमिल फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस रेखा ने भी सालों बाद जबरदस्ती किस के इंसिडेंट का खुलासा किया था। एक्ट्रेस ने बताया कि उनकी मूवी पुन्नागे मनन की शूटिंग के दौरान को स्टार कमल हसन ने उन्हें जबरदस्ती किस किया था। एक्ट्रेस ने आरोप लगाया था कि उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी। ये एक क्लाइमेक्स सीन था जिसमें मूवी में लवर्स अंत में झरने में कूदकर जान दे देते हैं। इस क्लाइमेक्स सीन में किसिंग सीन नहीं था, बल्कि ये सीन उन्हें बिना बताए अचानक शूट किया गया था। इस दौरान वह बुरी तरह सकपक आ गई थी। हॉलीवुड स्टार रिचर्ड गेयर ने एक मंच पर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को देख अचानक अपना कंट्रोल खो दिया था। एक्टर ने भरी महफिल में सबके सामने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को बाहों में भरते हुए नीचे तक गिरा दिया। इस दौरान वह उन्हें किस करते रहे थे। मूवी दयावान में विनोद खन्ना और माधुरी दीक्षित का एक जबरदस्त किसिंग सीन दिखाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस दौरान माधुरी दीक्षित काफी अनकंफर्टेबल थी। शूटिंग के वक्त विनोद खन्ना किसिंग सीन में इतना डूब गए थे कि उन्होंने एक्ट्रेस के होठों तक को काट लिया था, जिसके बाद माधुरी दीक्षित बुरी तरह रोई थी। जानी मानी सिंगर नेहा कक्कर के साथ भी ऑन स्टेज बदसलूकी उस वक्त हुई जब इंडियन आइडल 11 के एक कंटेस्टेंट ने अचानक उन्हें बाहों में भरकर गाल पर किस कर दिया था। इस दौरान सिंगर नेहा कक्कर बुरी तरह शॉक्ड हो गई थी। प्रियंका चोपड़ा की कजन और साउथ फिल्म एक्ट्रेस मनारा चोपड़ा के साथ हाल ही में उनके मूवी के डायरेक्टर एस रवि कुमार ने मीडिया के सामने किस कर उन्हें अनकंफर्टेबल कर दिया था। बाद में एक्ट्रेस ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि उनके मूवी के डायरेक्टर ओवर एक्साइटेड हो गए थे। एक्ट्रेस बिपाशा बासु के साथ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की एक पार्टी में हुए किसिंग सीन की फोटोज खूब वायरल हुई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक पार्टी में बिपाशा बासु को किस कर दिया था। उस वक्त एक्ट्रेस जॉन अब्राहम के साथ रिलेशनशिप में थी। सिंगर मिका सिंह के साथ एक्ट्रेस राखी सावंत का किसिंग सीन भला कौन भूल सकता है। साल 2006 में एक्ट्रेस राखी सावंत ने मिका सिंह के बर्थडे बैश में हिस्सा लिया था। इस दौरान सिंगर ने उन्हें जबरदस्ती किस कर दिया था। इनकी फोटोज और वीडियोज उस वक्त खूब वायरल हुए थे। साल 2014 में एक पार्टी के दौरान एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को उनकी मूवी फाइंडिंग फैनी के डायरेक्टर होमी अजदानिया ने जबरदस्ती किस कर दिया था। उस वक्त पार्टी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट्स, नवभारत टाइम्स।